कौन है भाई? आ जाओ आ जाओ। अरे कस्तूरी, आ बैठ। नमस्ते मास्टर जी, आपके सामने बैठने की आदत नहीं है। अरे भाई, अब तो हमारी विद्यार्थिनी नहीं हो, अब तो तुम ग्राम सेविका हो। पर रहूंगी तो हमेशा आपकी विद्यार्थी। अच्छा बोल, कैसे आई? ससुर जी का श्राद्ध होगा ना? जी, मैं सोच रही थी कि इस बार पारंपरिक रूप से श्राद्ध न करके 5 गरीबों को खाना खिला दूं और जितना बन सके उतना दान कर दूं। ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। अच्छा मैं स्कूल जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जी जरूर, चलो आओ। आए। और अब मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? मेरी पोस्टिंग हो गई है झांसी जिले में। जिले नहीं, जिले नुक्ता लगता है जाने। जी। अच्छा गांव वाले तेरे इस निर्णय पर क्या कह रहे हैं? उनके हिसाब से तो जैसे नौकरी क्या मिली, मेरे पांव तले कोई खजाना ही खुल गया है, और इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ। पर मैं इस बारे में आपके विचार जानना चाहती हूँ। मेरे विचार से तो तुम अपने आप को इस छोटे से गांव की सीमा से मुक्त कर पा रही हो, ये अपने आप में एक गौरव की बात है कस्तूरी। तुमने अपनी जिंदगी को जो मोड़ दिया है, ऐसा कितनी औरतें कर पाती हैं? ऐसा करना तो दूर, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से भरे समाज में ऐसा सोचना भी मुश्किल है। सब आपका ही आशीर्वाद है मास्टर जी। इस जड़ मूड़ गांव से मुक्त होना ही व्यक्तित्व बनाने का पहला कदम है। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बिटिया जाओ, चारों तरफ बहुत अंधेरा बिखरा है, ज्ञान का एक दीपक भी जला सकूंगी ना तो मुझे गर्व होगा। मैं कह सकूंगा कि मेरी एक ऐसी शिष्या है जो अपने जैसी कई शिष्याओं को तैयार करेगी, करती जाएगी। खुश रहो। अरे मैत्री बेटा, कहाँ है तुम्हारी अम्मा? अम्मा! राम राम कस्तूरी। अरे राम राम भैया, आप ही को गाय लेनी है ना, या किसी और को बेच दोगे? अरे नहीं नहीं, हम ही को लेना है गाय। अब भरा परिवार है बच्चों वाला, नाती पोते वाले, अब बिना दूध के कहाँ गुजारा होता है। कितना दूध देती है ये? दिन भर में 4 सेर दूध देती है, देख लीजिए। अच्छा तो कितने पैसे दे दें? आप ही बताओ। मैं 100 रुपये से ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं नहीं कम है। ज्यादा है 110 रुपये ले लो। एक दिन मैं भी ऐसी ही बिकी थी, खामोश गाय बछड़े की तरह। क्या मैं इस खरीदने बेचने के दृश्य को बार बार देखना चाहती हूँ? क्या इससे मुझे मालिक होने का एहसास हो रहा है? नहीं, मैं मालिक में तब्दील नहीं होना चाहती। मैं इस खरीद फरोख्त की पीड़ादायी आनंद से मुक्ति पा लेना चाहती हूँ। मैं अगले पिछले सारे बंधन काटकर आजाद होना चाहती हूँ। का सोच रही हो? इसे ज्यादा नहीं दे सकते हैं हम। नहीं, ले जाओ भैया। क्यों भेज रही हो लक्ष्मी को? बेटा अब हमें इस गांव में तो रहना नहीं है, इन्हें साथ लेकर कहाँ जाएंगे? ख्याल रखना भैया। नहीं फिक्र मत करो तुम, ले जाओ। लक्ष्मी जा रही है। Thank you.
रात्रि दवा देना बेटा। अरे ये चिमटा, ये तो बाबा की निशानी है। जब तुम स्कूल जाया करती थी तो वे मुझे इसी से रोटी पकाकर खाना खिलाते थे। तुम इसे भी बेच दोगी? मत बेचो। ये देखो, अभी हमारे बिटिया को गरम गरम बना के खिलाते हैं, हैं? और वो रोटी। अरे चिमटा कहाँ गया? आ चिमटा राम जी कहाँ है? ये रहा चिमटा राम जी। अरे लाओ बिटिया, ये रोटी जल गई। क्या हर चीज बेच दोगी? हाँ मैत्री, अभी हमें मीलों का सफर तय करना है ना, फिर ये बर्तन भांडे कहाँ बटोरते फिरेंगे हम? और वैसे भी अब हमें नई जिंदगी शुरू करनी है, तुझे अलग और मुझे अलग। क्या सोचने लगी मैत्री? मुझे कहाँ भेजोगी? अलीगढ़, वो समाज कल्याण बोर्ड वाली अध्यक्ष है ना, चतुर्वेदी मैडम, उन्हीं के यहाँ तुझे रहना है और पढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं मैत्री, मैं एक जगह टिक कर नहीं रह सकती, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तेरी पढ़ाई में नुकसान होगा ना इसलिए। लेकिन वो मुझे अपने पास क्यों रखेंगे? तू इस बात की फिक्र मत कर, मैंने उनसे बात कर ली, वो बड़े ही अच्छे स्वभाव की औरत है और स्त्री शिक्षा की हिमायती भी है। और मैं तुझे वहाँ मुफ्त में थोड़ी रखूँगी, हर महीने तेरी पढ़ाई के लिए वहाँ 20 रुपये और एक मन गेहूँ भेजती रहूँगी, ठीक है? अच्छा चल, अब जल्दी कर, वो बर्तन वाला आता ही होगा। ये दे, दे। माँ, क्या मैं इसे रख लूँ? क्या बताएं, हमने इसके रहने का इतना अच्छा इंतजाम किया है। वो समाज कल्याण बोर्ड की संयोजिका जी है ना, औरतों की उन्नति के लिए काम करती है, वहां रहेगी तो इसकी जिंदगी सवर जाएगी। पर ये है कि बस रोए ही जा रही है। अरे मौड़ी रोएगी धोएगी नहीं तो और क्या करेगी? अनजान आदमियों के संगे रहबे और रुकबे में तो कलेजा पेड़ पौधों को भी कांप जाते, वे भी मुरझा जाते हैं, सूख के मर कब जाते, फिर जे तो जीती जागती मौड़ी आए। अब बेटियों के भाग में माँ बाप से बिछो बदो बदो या काकी, तुम हम का कर सकते हैं? ब्याह को बिछो तो समझ आत है, पर ए ई की तो भी ब्याह की उम्र ही नहीं भाई, और आगे भी 10 साल तक ही ब्याह नहीं करेगी, अभी तो इसके पढ़ने लिखने की उम्र है। अरे पिछले जमाने में लड़के ज्ञान की खोज में कहाँ कहाँ नहीं जाया करते थे, फिर ये तो बस अलीगढ़ ही जा रही है। पर अभी नाजुक उम्र है, अभी से उसे अलग करना कैसे समझाए तुम्हारों को? अरे माँ बाप का बच्चों को अपने छाती से चिपका के रखने का जो मोह है ना, वही बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ओके बर्बादी का कारण। अगर हम अपनी तकदीर बदल नहीं सकते तो कम से कम सवार तो सकते हैं ना, पिछली बातों को लेकर रोते पीटते रहने से क्या होगा? बस बस कस्तूरी रहन दो, तुम तो पहले ही नहीं सुना ताती, और अब नौकरी जो पा गई हो तो का खाक सुनोगी हमारी? बस जो जी में आए सो करो तुम। हमको का मतलब, जब नहीं मानती तो माथा फोड़वे से का मतलब? चलो उठा रहे, चल। मैत्री क्या हुआ, चोट लगी है क्या? ये बताते क्यों नहीं? अरे दिखा तो, क्या हुआ? कि तेरे नाक कान किसने छिदवाए? हाँ बताते क्यों नहीं? हमने थोड़ी ना छिदवाए, वो खेरा पाते ना महुबा वाली। तूने हमसे पूछे बगैर क्यों छिदवाया? काहे को उसने ये छोरी को हमने छिदवाए हैं? काहे छिदवाया? अरे छोरी इतनी बड़ी हो गई है, लोर पक जाती तब छिदवाती, कभी नहीं छिदवाते। हमको ये रीति रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, लड़की को छेद बांधकर गुलामी के लिए तैयार करना। अरे
एवे गुलामी की का बात है, मोड़ी की जात है, नाक कान तो छिदवाने पड़े ना। लड़की हमारी है, हमको जो करना होगा हम वो करेंगे। और अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, हमको तुम जैसे गवारों से बात नहीं करना है। हाय दैया, चार अक्षर क्या पढ़ लिए, हम सबको गवार ठहरा दिया। अरे हम तो अपनी ही जान, हमको अपना कहने का कोनो जरूरत नहीं है। हमको मालूम है कि ये गांव में कौन अपना है और कौन पराया। ज्यादा मुंह मत खुलाओ हमारा तुमसे। और तू बड़ी हीरोइन बनेगी सिनेमा की, हाँ? नाक कान छिदवा कर डोलती फिरेगी? अभी बताती हूँ। अपनी चुटिया बाहर काट लेते, कुआरी छोरी को अब सगुन काय बना रही। चार पोथी का पढ़ ली तेने, है लुगाई से लोग हो गई तू, ब्रह्मा है गई का? जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कर देना कस्तूरी बेटा। कस्तूरी, समय निकाल कर आती रहना बेटा। हाँ बेटा। सदा खुश रहो, हमेशा प्रगति के पथ पर चलती रहो। मुझे उम्मीद है तुम ज्ञान की रोशनी फैलाओगी। मैं अपने सभी सगे रिश्ते पीछे छोड़ के जा रही हूं, पर आपसे ना तो भाई का रिश्ता है, ना ही पिता का, ना गुरु और ना ही किसी सगे संबंधी का। आपसे तो जैसे जमीन और जड़ का रिश्ता है मेरा। आपने मेरी छोटी सी बुद्धि को चेतन किया है, उसे पानी देकर उसे जमीन की गहराइयों तक पहुंचने में मदद की है आपने, और मैं यही रिश्ता अपने साथ लिए जा रही हूँ, और शायद यही मुझे यहाँ वापस बुलाता भी रहेगा। मुझे इतना महान मत बनाइए कस्तूरी देवी, मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और वही रहना चाहता हूँ। आप मुझे अपने पैर छूने की इजाज़त देंगे? नहीं, मैं इस प्रथा से दूर रहना चाहता हूँ हमेशा। मेरी शुभकामनाएं, जीवन में प्रगति के पथ पर चलती रहो। चलो भैया। तो बहुत अच्छा है। बहू जरा इसका सामान तो अंदर रखवा दे। बहन जी, लड़की गांव में पली बड़ी है, इसलिए शहर के तौर तरीके नहीं जानती। कभी कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तो फिक्र मत कर, मैं कल ही इसका स्कूल में दाखिला करवा दूंगी, पढ़ाई लिखाई चालू हो जाएगी। जाओ बेटा, दीदी के साथ जाकर अपना कमरा देख लो। बहन जी, ये गेहूं की बोरी है और ये कुछ पैसे हैं, 20 रुपए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये तो मेरा कर्तव्य है बहन जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि वो आपकी छत्र छाया में रहकर पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़ी हो जाए। फिक्र मत करो, मेरा तो उद्देश्य ही यही है, स्त्रियों को शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना, और जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही हमारी बेटी। आपकी बड़ी कृपा बहन जी, वैसे मैं खत लिखती रहूंगी और वक्त मिलते ही आती भी रहूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है। नमस्ते। नमस्ते। नरेश जी, गेहूं की बोरी अंदर रख दे। जी।
अम्मा वो तो गई। गई? हाँ बेटा, ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, इसीलिए माँ गई। तुझे अब हमारे यहाँ रहना है तो तुझे एक दो बातें समझा रहे हूँ। इस घर को अपना घर ही मानकर रहना, बड़ों की आज्ञा का हमेशा पालन करना, पढ़ाई लिखाई में काम काज में कभी जी मत चुराना, समझी? जी। ए मैत्री सुन, इधर स्कूल जा रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, तेरी ये ड्रेस ही बहुत अच्छी है मैत्री, और तेरा ये बैग। मैत्री सुनना एक मिनट, सुन तो। प्यारी प्यारी मैत्री, आशा है तुम सकुशल पढ़ती होगी। घर के सब सदस्यों का कहना मानना, किसी से लड़ना नहीं, चुरा कर मत खा लेना नहीं तो निकाल देंगे। पढ़ाई में मन लगाना, स्कूल में साफ सुथरे होकर जाना, खुश रहना। तुम्हारी माँ कस्तूरी देवी। मैत्री जी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। छमाही परीक्षा कब से है, कुछ बताया मास्टर ने? अगले हफ्ते से। तिमाही परीक्षा में तेरे कोई बहुत अच्छे अंक नहीं आए थे, इस बार कक्षा में सबसे अधिक नंबर लेकर आना, समझी? बस कर, अब मेरी थोड़ी सी कमर दबा दे। मैत्री? हाँ? क्या कर रही है? कल से मेरी परीक्षा है। लैब में पढ़ा दूं? मैं पढ़ाता हूँ ना तो सब बात ठीक से समझ में आ जाती है, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं डांट मार के नहीं, मैं प्यार से पढ़ाता हूँ। मैत्री दरअसल हाथों में रेखाएं होती हैं जो बता देती हैं कौन कितना पढ़ेगा, फेल होगा या पास। सच्ची? हाँ, हाथों में ज्ञान की रेखाएं होती हैं, दिखा तेरा हाथ। हाँ तेरे हाथ में विद्या तो है, और तेरा हाथ कितना सुंदर है मुलायम। क्या कर रहे हैं, छोड़िए उसका हाथ, पढ़ने दीजिए उसे। मैं तो उसे पढ़ा रहा था। कोई जरूरत नहीं है, वो खुद पढ़ लेगी, चलिए यहां से। अम्मा जी कब तक आने की कह गई हैं? शाम का कह के गई हैं। बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मिल आते हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम ही चली जाओ। ठीक है, मैं ही हो जाती हूँ। सिर में दर्द हो रहा है, दबा दे। सुना नहीं तूने? दबा दे ना।
मुलायम है। हाँ देखा तू, हाँ तेरे हाथ कितने सुंदर हैं, दिखा दिखा ना। हाँ सुंदर है। अरे मैत्री ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तार देकर बुलवाया मुझे? अरे मैत्री तू कैसे? हम लेकर आए हैं, संभालो अपनी बिटिया को। क्या हुआ मैत्री? माँ मुझे वहां नहीं रहना। क्यों चतुर्वेदी मैडम ने कुछ कहा क्या? तो फिर वहां से भागकर क्यों आई? माँ उनका बेटा मुझे रात भर सोने नहीं देता, गंदी गंदी बातें करता है, कभी पेट पर हाथ रखता है तो कभी। तू तरक्कीया कर रही उतर तेरी मौड़ी बर्बाद या हो रही है, गई बात बराबर? अरे जे भी चिंता नहीं कि मौड़ी को कछु होगा तो कौन बचाएगा उखो? समझ लो मौड़ी बच गई, मौड़ी को अपने पास काहे नहीं रखा, कहां स्कूल नहीं है? स्कूल है पर जरूरी नहीं कि वहां कोई हादसा ना हो। लड़की को अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई कब तक बचाएगा उसे? अरे कस्तूरी बेकार की बातें न कर, शेर का बच्चा भी जब तक बड़ा नहीं होता ना शेर का लाया शिकार खाकर ही पलता है। तेरी तरक्की ने तुझे चकाचौंध करके रख दिया है, तो सबके शीश पर मुकुट ही मुकुट नजर आता है। अरे काय नहीं समझ रही थे, कौन जन्म की बिटिया से दुश्मनियां निकाल रही? मुझे लड़की की झूठी हिमायत बिल्कुल पसंद नहीं है। हम उसको हिम्मत वाली बनाना चाहते हैं और तुम डरपोक। और तू जब वो तेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा था तो खींच कर एक झापड़ क्यों नहीं मारा तूने उसे? हम उसके हाथ पे काटे आए। शाबाश तू मेरी बहादुर बेटी है। अब आप सब चाहिए यहाँ से चलो। देख लो बहुत चार पोथी का पढ़ रही, हम ये सिखाने चल पड़ी, हम तो इनको भलो सोच के आए, थोड़ी तो बचा के लाए, जवान हो ही नहीं है भलाई। मैत्री इसे भागने से क्या होगा बेटा, कोई तेरी तरफ बुरी नजर न डाले इसलिए मैं तेरे नाक का नहीं चितवाती थी। अब तुझे हिम्मत वाली बनना है, स्त्रियों के लिए ज्ञान हासिल करना इतना आसान काम नहीं है बेटा, और तुझे अब अपनी रक्षा खुद करनी है जैसे हम विधवाएं करती हैं। और पुरुषों की जात से हमेशा बच के रहना। अच्छा मेरे पास आ, और अब रोने की नहीं, तुझे हिम्मत वाली बनने की जरूरत है, तुझे अभी बहुत आगे जाना है बेटा।